नमस्कार दोस्तों, धोली द ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि हाउ टू चेंज योर माइंडसेट। जी हाँ, अक्सर हम लोग किसी न किसी विचार और तनाव और गुस्से के साथ साथ हम कुछ चीज़ें ऐसी सोच बैठते हैं जो हमें डरा देता है, और किसी भी चीज़ को पाने के लिए अगर डर ही होगा हमारे अंदर में तो डर हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। हालांकि डर हर एक चीज़ में होनी ज़रूरी ज़रूर है, लेकिन फिर भी ये डर हमें पीछे करे ये हर मामले में ज़रूरी नहीं, क्योंकि सक्सेस पाना है तो डर के आगे जीत को ही अपनानी पड़ेगी। इसीलिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए है, आई होप ये आप लोगों को पसंद भी आएगा। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों हम अंदर ही अंदर जो बोलते रहते हैं ना, हमारा दिमाग भी उसी प्रकार से रिएक्ट करता है। यानी कि आप गौर करेंगे कि विचार ने आपको वो बनाया है जो आज आप है। यानी कि हर इंसान अपने आप को बदलना चाहता है, आज से कल और बेहतर बनना चाहता है ना। अगर आप आज जिस सिचुएशन में खड़े हो और आप अगर पीछे घूमकर पास्ट को देखो तो आप अपने में बहुत सारे परिवर्तन पाए होंगे, एक समान तो होंगे ही नहीं। ठीक है, वहां काफ़ी चीज़ें हैं जो पास्ट की वजह से ही हम आज प्रेजेंट में पहुंचकर खुद को बदलाव किए हैं। अगर मेरी बातों को बहुत गौर से समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे तो पास्ट में हमारी की हुई गलती का ही नतीजा आज हमने अपने बदलाव में परिवर्तन किया है। राइट, दो इंसानों का माइंडसेट जो होता है ना वो समान नहीं होती। आपके दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं या हस्बैंड वाइफ है, दोनों का माइंडसेट एक हो ये ज़रूरी नहीं, ये सही बात है। लेकिन आज की प्रॉब्लम जो है और वो एक अपॉर्चुनिटी में बदलने और दूसरे को प्रॉब्लम से भगाने के लिए कहता है। यानी कि हमारे माइंडसेट में हमेशा एक चीज़ रहता है कि कोई तर्क करता है तो कोई वितर्क भी करता है। तो इसी वजह से माइंडसेट अगर हम लोग नहीं बदलेंगे तो हमारा जीवन भी नहीं बदलेगा, और जैसे ही माइंडसेट बदलते ही हम गौर करेंगे हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। राइट, चलिए जानते हैं कि माइंडसेट आखिर होती क्या है। दोस्तों माइंडसेट की डेफिनेशन आपके सोचने का तरीका है। आप आज जिस तरह की सोच रखते हैं उसको बनने में कई साल लगे होते हैं, कई सालों से आपने एक ही पैटर्न में अपनी सोच को रखा होगा, है ना, जिसका रिजल्ट है कि आपका आज का माइंडसेट जो है वो कई सालों की मेहनत है। यानी कि आपकी सोच को एक खास पैटर्न में फिट करने के लिए आपके जीवन के एक्सपीरियंस, आपके बड़े होने के दौरान का माहौल कि कैसा माहौल आपने देखा होगा, आपके परिवार की जिम्मेदारी, आप पर कितनी जिम्मेदारी होगी, या फिर आपने अपने फैमिली मेंबर्स को देखा होगा कि वो कितने जिम्मेदार हैं, या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितनी बखूबी से निभाते हैं, या फिर कुछ ऑपोजिट चीज़ें भी देखी होंगी। राइट, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये एक डेवलप्ड यूरोपियन कंट्री में पले बड़े बच्चों का माइंडसेट एक इंडियन और गरीबी में पले बड़े बच्चे के माइंडसेट से ना डिफरेंट होता है, क्योंकि दोनों की सेल्फ लाइफ की एक्सपीरियंसेस अलग अलग होती है। यहाँ पर मैंने यूरोपियन कंट्री की बातें इसलिए की क्योंकि अगर उन लोगों की लाइफ हम लोग देखेंगे तो वो लोग काफ़ी स्वतंत्रता से जीने वाले इंसान होते हैं, लेकिन हम काफ़ी बाउंड्रीज के अंदर में जीने वाले इंसान होते हैं, जो कि ज़रूरी भी है। और हम अगर देखें हमारे इंडियन कल्चर को तो हमें बड़ा गर्व भी होता है। माइंडसेट कैसे बदलते हैं ये बहुत ज़रूरी है। आज की जो हैबिट्स है या फिर जो हैबिट्स एंड बिलीव्स है उनको छोड़कर और कुछ समय में नई हैबिट्स और बिलीव्स को अपनी लाइफ में लागू करने से आसानी से ही कुछ ही दिनों में आपका माइंडसेट जो होता है ना वो बदल सकता है। यानी कि हम आज जो सोचते हैं उसमें एक डर काम ज़रूर करता है, और इस डर को दूर करने के लिए हमें अपने बिलीव्स और माइंडसेट को या फिर हैबिट्स को बदलनी बहुत ज़रूरी बन जाती है। माइंडसेट को बदलने से ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसको आप जैसे ही बदलेंगे ना आपकी दृष्टिकोण ही चेंज हो जाती है।
ये सब ना जो है कि बहुत आसान तरीका है कि अपनी माइंडसेट को बदलने का। आपकी किसी आदत को बनाने के लिए लगातार अगर आप 3 हफ्ते तक उस आदत का अभ्यास करेंगे तो उसके बाद आपका माइंड जो है वो उस आदत को अपने आप रूटीन बनाकर फॉलो करने लग जाएगा। यानी कि आप अगर लेट राइजर है तो आप अर्ली राइजर बनने के लिए सिर्फ 3 हफ्ते की कोशिश कीजिए, फिर देखेंगे ये ऑटोमेटिकली आपके रूटीन में शामिल हो जाएगा। आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ आपकी माइंडसेट की वजह से होगा। माइंडसेट बदलने के लिए आप कुछ शानदार बदलाव जो है ना वो अपने जीवन में लाइए। और वो क्या क्या हो सकते हैं, देखिए सबसे पहले है कि पॉजिटिव थॉट्स को अपनी पकड़ में रखें। बोलना आसान है, आप कहेंगे बोलना आसान है, सिचुएशन ऐसा नहीं होता जैसा आप कह रही हैं, सिचुएशन बहुत अलग होता है, मुझे मालूम है, मैं आप लोगों से कोई अलग नहीं हूँ, मुझे भी बहुत सारे सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों तक लाती हूँ, यानी कि खुद से शुरुआत ज़रूर करती हूँ, सबसे पहली चीज़ है कि हमारे थॉट्स की जो रूट है उसको पहचानना ज़रूरी है, उसको पहचानिए। जहाँ से हमारे विचार अचानक से किसी कार्य की पॉजिटिव साइड को छोड़कर नेगेटिव साइड की तरफ भागने लगते हैं और हमारा माइंड हमें फाइट करने की बजाय सरेंडर करने को कह देता है कि नहीं, जो हो रहा है होने दो, ये जैसी माइंडसेट है इसे बस चलने दो। ऐसा अगर होता है तो हमें कंडीशन को समझना होगा कि आखिर हमारा माइंड ऐसा कर क्यों रहा है। जब हमारा माइंड नेगेटिव थॉट्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है तो हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत होती है कि हम किसी कार्य के बारे में सोचते सोचते कहां तक पहुंचते हैं, कितनी दूर तक अपनी कल्पना शक्ति को लेकर जाते हैं। जहां से हमारा माइंड अचानक से बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया है उस रास्ते को पहचानना जरूरी बन जाता है। देखिए ये सारी बातें ना बहुत अगर सरल शब्दों में मैं कहूं तो बस जड़ को देखना है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, और अगर वहाँ से ही प्रॉब्लम है तो उसे पहचानने की भी तो ज़रूरत है। जिस वजह से हमें जब हमारा माइंड एनर्जेटिक रखता है और जब हम अपने माइंड के उस लक्ष्य को, राह में आने वाले मुसीबतों को या फिर मुश्किलों को देखता है तो हमें सरेंडर करने को कहता है, कहता है अब माइंड, मान लीजिए वो काफ़ी एक ऐसी सिचुएशन में है हमारा माइंड सेट कि अभी हम आराम से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आगे बढ़ेंगे तो ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो फिर अगर आती है तो फिर हम काम डाउन हो जाते हैं, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो डर होती है, यही डर होती है हमारे अपने लक्ष्य को रोकने के लिए, ये अपना काम शुरू कर देती है। हमें अपने माइंड को लगातार उस पॉजिटिव थॉट्स पर रोक कर कार्य करना ज़रूरी है जहाँ पर माइंड और प्रॉब्लम के सल्यूशन पर टिकना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये बातें बड़ी अटपटी लगती है लेकिन माइंड, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपके ही दिमाग की उपज है, या फिर कह लीजिए ये एक जो हमारे चारों ओर जो होती है, जो एनवायरनमेंट होती है, ये उसी की उपज है। और बहुत अगर मानिए कि ये 3 हफ्ते का ये प्रैक्टिस आपकी हर आदत चेंज करा सकती है। या तो आप पॉजिटिव सोचते थे, 3 आदत अगर आप 3 हफ्ते की आदत अपने लाइफ में ला लिए कि मुझे अब नेगेटिव सोचना है, तो वो उसी पर भारी पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें सोचते हैं, तो 3 हफ्ते का रेगुलर प्रैक्टिस करके देखिए, ये आपकी लाइफ की रूटीन में आ जाएगी, फिर पीछे मुड़ के देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आदत को बनाए रखने के लिए 3 हफ्ते का टाइम मैं बोल रही हूँ कि 3 हफ्ते किसी चीज़ को अपना लीजिए, बस वही आपके रूटीन में, आपकी आदतों में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर पहले बुरी आदत थी तो अच्छी आदत को बदलने के लिए सिर्फ 3 हफ्ते का टाइम ज़रूर लीजिए। माइंड जो है ना ये मुश्किलों को नहीं समझता, सॉल्यूशन को भी नहीं समझता, ये सिर्फ समझता है कि हमारा झुकाव किस तरफ है। ठीक है, हम अगर प्रॉब्लम पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो हमारा माइंडसेट हमें वही देता है। तो इसलिए माइंडसेट को हमें समझाने के लिए अट्रैक्ट करनी होगी पॉजिटिव सोच को, और पॉजिटिव सोच को जब हम अट्रैक्ट करते हैं तो इसके लिए हमें रेगुलर हैबिट करनी होगी सिर्फ 3 हफ्ते की। ये 3 हफ्ते की प्रैक्टिस आपको आपके जीवन को बदलने के लिए काफ़ी होती है। शानदार चीज़ें कल्पना करें, जो चीज़ आप चाहते हैं 3 हफ्ते सिर्फ कल्पना कीजिए, फिर देखिए ना कि ये होती है कि नहीं।
अपने लिए जीना शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ी बात कह रही हूँ, अपने लिए जिस दिन जीना शुरू कर देंगे उस दिन सोचेंगे कि जीवन कितना खुश है और ज़िंदगी कितनी खुशनसीब है, और ज़िंदगी को पाना है तो बहुत सारी चीज़ों को अपनाना भी होगा। मन में बोलना सिर्फ छोड़ दीजिए, मन में बोलते हैं तो उसे करके भी दिखाइए, क्योंकि अक्सर हम लोग मन में ही बोलते हैं लेकिन लोगों के सामने कहने से डरते हैं, तो जो कि कॉन्फिडेंस को हमारे बहुत ज़्यादा डाउन करता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को अपनाइए। अगली जो बात मैं बोलूँगी आप लोगों को कि अगर सिर्फ प्यार को तलाश रहे हैं तो हैबिट बनाइए कि आप जिनसे प्यार चाहते हैं उनसे आप प्यार भी कर रहे हैं, क्योंकि हम प्यार करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन डालना चाहते हैं। ये बड़ा रेयर केसेस होता है कि हम किसी से प्यार करते हैं और वो भी हमसे प्यार करे, क्योंकि प्यार किसी के आदत से होती है, किसी की पहचान से होती है, किसी की अंदर की खूबसूरती से। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह की वीडियोज मैं आप लोगों को लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।